नमस्कार एल्लरिगू, नमस्ते सब लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि 11 इयर्स ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम इन इंडस्ट्री आई गॉट अ आइकॉनिक अवार्ड 2020 सीजन 6। मैं ये मोहम्मद नगमान लतीफ सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है चाणक्य मूवी से। सो चाणक्य मूवी का डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को वेरी थैंकफुल बोलना चाहता हूँ, और थैंक्स फॉर द दिस अवार्ड, थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज अभयवीर फ्रॉम कर्नाटका। मुझे ये अवार्ड मिला है चाणक्य मूवी से, सो रियली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि 11 इयर्स से मैं बहुत स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में और बहुत मेहनत करके ये अवार्ड मिला है। अभी फर्स्ट अवार्ड है मेरा, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो सो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का टीम को, क्योंकि ये मेरा बेस्ट एंड फर्स्ट वन अवार्ड है। तो ये थोड़ा ये लाइफ टाइम तो मेरा दिमाग में रहेगा, क्योंकि इतना साल के बाद 11 इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड डेडिकेशन एवरीथिंग मुझे अवार्ड मिला है। चाणक्य इज़ एन मास फिल्म, इन लास्ट 2 इयर्स बैक रिलीज हुआ है मास फिल्म में। उस ए मूवी में मैं कॉप रोल किया था। कन्नड़ा ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया मुझे, क्योंकि वो रोल देके अभी भी मेरा डायलॉग्स और मेरा एक्टिंग को कॉपी कर रहे हैं। अभी भी टिकटॉक, पहले टिकटॉक था उसमें करता था, अभी वीडियो बना के मेरा डायलॉग और मैनरिज्म कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, आपने कर्नाटक ऑडियंस ने इतना मुझे प्यार दिया है, इस आपका सपोर्ट से मुझे ये अवार्ड मिला है। दिस अवार्ड डेडिकेटेड टू ऑल कर्नाटक कन्नडिगास। नन के तुम्बा ओले फील आगते, याकंद्रे निम्मिंद नन के ई अवार्ड सिके। अभय जी, आगे कांग्रेचुलेशंस। जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे साउथ के लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, बॉलीवुड साउथ में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में हम आपको भी देखेंगे बॉलीवुड में, ऐसे कुछ आपके प्रोजेक्ट, जिस तरह से लोगों ने आपके प्रोजेक्ट को टिकटॉक पे हमने देखा, सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया आपकी एक्टिंग को देखा, तो बॉलीवुड में भी हम देखेंगे इस तरह से। श्योर श्योर, अभी मेरा 3 मूवी शूटिंग ख़त्म हुआ है, वो भी बाद में हिंदी में डब होगा, नहीं तो हिंदी में हम लैंग्वेज भी शूटिंग कर सकता है, क्योंकि अभी 3 मूवी रिलीज होना है, ब्रह्मपुत्र और 90 करके एक मूवी, दोनों मूवी में हिंदी में आ रहा है, देखेंगे इधर नॉर्थ में कैसा हमको लेंगे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री है ना, हिंदी को अभी क्या चल रहा है, कोई बॉर्डर्स नहीं है इंडस्ट्री को, इधर को लोग उधर आ रहे हैं, उधर का लोग इधर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक पूरा फैमिली जैसा रहता है इंडस्ट्री, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, मतलब सब, नॉट लाइक तेलुगु तमिल हिंदी, ऐसा भेदभाव नहीं रहता है, इसलिए मैं करने के लिए बहुत मुझे प्यार है हिंदी में करने के लिए, देखेंगे बाद में। Congratulations Delhi Masala for 5 million किसी की इच्छा होती है कि इस एक्टर के साथ में काम करना है, तो ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे साउथ में, आप सभी को, हम सब वेस्ट में इस एक्टर के साथ में काम करना है, इसके साथ में सच में मतलब मन से बोलता हूँ। एक्चुअली मैं एक फ़ैन हूँ, वो अभी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। एक्चुअली मैं कल आया हूँ, उनका घर के पास गया था, 10-15 मिनट उधर था मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, उनका एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, उनका सब फिल्म देखा मैं। मैं सोचा था कभी भी एक चांस कोई भी फिल्म में मिला तो सच में मैं आके करता था, इसलिए मैं मुझे सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा लगता था। अभी वो नहीं है, फिर भी हम मिस कर रहे हैं, देखेंगे। उनके छोड़ के मुझे बाबा के साथ करना है, मैं चाइल्डहुड से बहुत उनका फिल्म देख के आया हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको। बाबा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो हम
कर सकते। अभी KGF में बाबा जी कर रहे हैं, देखेंगे बाद में हमारा। आपका लुक भी थोड़ा बहुत यश की तरह थोड़े है, इंस्पायर। शी इज एन जीनियस एक्टर, मैं भाई जैसा बोलता हूँ उनको, बहुत उनको भी हम यंगस्टर है उनको देख के, क्योंकि उनका भी स्ट्रगल बहुत है, उनका ऐसा अभी ये स्टेज में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। देखते हैं क्या आने वाले मेरा प्रोजेक्ट्स है। अभी होयसड़ा करके, इट्स अ एडवेंचरस मूवी, अभी कन्नड़ में ज़्यादा नहीं आया है, एडवेंचरस थोड़ा एपिक लेयर लिया है हम, वो तो बहुत बड़ा बजट का मूवी है, अभी फेब्रुअर में स्टार्ट हो जाएगा मूवी। उनके बाद अभी जॉनी वॉकर करके एक मूवी कर रहा हूँ मैं, अभी वो दो प्रोजेक्ट को साइन किया हूँ, देखेंगे आगे क्या हो जाता है। थैंक यू।